बहुत लोग मेरे से पूछते हैं प्रॉफिट में बजट गया, ये कैसे हुआ? इतने स्कूल बना दिए, इतने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, इतने अस्पताल बना दिए, 1281 कच्ची कॉलोनियों के अंदर सड़कें और नालियां बना दी, 950 कॉलोनियों के अंदर सीवर की पाइपलाइन डाल दी, 500 से ज्यादा कॉलोनियों के अंदर पानी की पाइपलाइन डाल दी, इतने लोगों को तीर्थ यात्रा पे भेज रहे हैं, बिजली का बिल जीरो कर दिया, पानी 20,000 लीटर माफ कर दिया, जो शहीद होते हैं उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का शहादत राशि देते हैं। इतने काम, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? एक तरफ तो हमने जो टैक्स का पैसा आता था वो बढ़ाया, जब हमारी सरकार बनी थी उसके पहले वाले साल में 30,000 करोड़ का रेवेन्यू था, इस साल 60,000 करोड़ का रेवेन्यू, 5 साल के अंदर डबल कर दिया रेवेन्यू। केंद्र सरकार ने हमारा GST का पैसा रोक लिया, लेकिन हम रोए नहीं, हमने शिकायत नहीं करी, उधर भी हम संघर्ष करते रहे, लेकिन अपने दिल्ली के लोगों को उनकी सारी सुविधाएं भी एक साथ देते रहे। ये 30,000 से 60,000 करोड़ कैसे हुआ? हमने कोई टैक्स के रेट नहीं बढ़ाए, 5 साल के अंदर एक भी आइटम ऐसा नहीं है जिसके ऊपर टैक्स के रेट बढ़ाए हों, उल्टे हर चीज के ऊपर टैक्स के रेट कम कर दिए, 12% से 5% कर दिए, रेड राज बंद कर दिया दिल्ली के अंदर, रेड मारनी बंद कर दी दिल्ली के अंदर, रेड मारे बिना टैक्स आ रहा था, क्यों? उसने पैसा कहां से आ रहा है? व्यापारियों की एसोसिएशन के अंदर मैंने जाके कहा, मैंने कहा तुम पुण्य कमाने के लिए मंदिरों को पैसा देते हो, तुम पुण्य कमाने के लिए स्कूल बनवाते हो, तुम पुण्य कमाने के लिए अस्पताल बनाते हो, अगर 100 रुपए देते हो तुम एक स्कूल बनाने के लिए, एक बच्चे के लिए 100 रुपए अगर तुम टैक्स का पैसा दोगे उससे मैं 1,000 बच्चों को पढ़ा दूंगा। व्यापारियों ने हमें टैक्स देना चालू किया और उस पैसे पे हमने फिर फिजूल खर्ची खत्म करी, हमने भ्रष्टाचार खत्म करा। एक राज्य के एक मुख्यमंत्री ने अभी 190 करोड़ का जहाज खरीदा अपने लिए, पर्सनल मैंने जहाज नहीं खरीदा अपने लिए, मैंने 140 करोड़ रुपए खर्च करके अपने दिल्ली की बहन और माँ बेटियों के लिए सारी यात्रा मुफ्त कर दी गई। हमारा एक फ्लाईओवर, वो वजीरपुर वाला फ्लाईओवर जो बना वो 325 करोड़ का बनना था, सैंक्शन कॉस्ट 325 करोड़ थी, 200 करोड़ में पूरा कर दिया, कोई सरकार मिली आज तक भारत के इतिहास में एक फ्लाईओवर में 125 करोड़ रुपए में चले? बिजली की माफ कर दी, 200 यूनिट माफ कर दी, हमने पानी मुफ्त कर दिया, हमने सरकारी स्कूल शानदार कर दिए, सारे दिल्ली के अस्पतालों के अंदर, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर, पॉली क्लिनिक के अंदर सारी दवाइयां मुफ्त, सारे टेस्ट मुफ्त, सारा इलाज मुफ्त, मिनिमम वेज 8,500 से हमने सीधे 13,000, 14,000, 15,000 कर दिए, एक परिवार के 60,000 रुपए साल की बचत हो गई, हर परिवार की जेब में डाल दी, 50 लाख परिवार है, 30,000 करोड़ रुपए दिल्ली के अंदर हमने सीधे लोगों के जेब में डाल दिए। अगर इकोनॉमिक टर्म्स में बात करें तो दिल्ली के अंदर सीधे सीधे 30,000 करोड़ रुपए की डिमांड पैदा कर दी हमने, तो आज ये साबित हो गया कि भारत के इतिहास की 70 साल की सबसे ईमानदार सरकार है ये, जिन्हें 5 साल का ऑडिट करने के बाद किसी सरकार की ये तारीफ की गई। इस रिपोर्ट के अंदर CAG ने तारीफों के पुल बांधे हैं, उन्होंने कहा है कि पिछले 5 साल में दिल्ली सरकार प्रॉफिट में रही है।